12 फरवरी को 3 घंटे तक एक कमरे में अकेले रहे ज्योति सिंह और पवन सिंह। जाग रहा है बातचीत के जरिए दोनों के बीच खोया हुआ प्यार। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जिनका खुलासा बबीता मिश्रा ने अपनी हाल ही के इंटरव्यू में किया है। बबीता मिश्रा ने बताया कि 12 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी वो करीब 7 से 8 घंटे तक चली थी और ये मीटिंग पवन और ज्योति दोनों की मर्जी से हुई थी। ज्योति खुद चाहती थी अपने पति से बात करना। बबीता मिश्रा ने बताया कि इस मुलाकात में दोनों को 3 घंटे तक एक कमरे में छोड़ दिया गया था ताकि दोनों अकेले बात करें और अपने सारे गिले शिकवे दूर करें। उस दौरान कमरे में कोई मौजूद नहीं था और दोनों का अकेले में बात करना सफल भी रहा। आगे बबीता मिश्रा ने बताया कि पवन सिंह बहुत इमोशनल है। जब उन्होंने शायराना अंदाज में ज्योति का दुख बयां किया तो पवन तुरंत भावुक हो गए। बबीता मिश्रा पवन सिंह को जीजा जी कहकर पुकारती हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम बड़ी बहन हैं ज्योति की, तो अगर पवन जी कुछ गलती करेंगे तो उनके कान खींचने का हक मेरे पास है। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच खूब बातचीत हो रही है और चैट में दोनों हार्ट स्टिकर एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं और सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो वहीं अपने एक बयान से बबीता मिश्रा ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, बबीता ने बताया कि पवन सिंह जल्द ही डोली लेकर आएंगे और ज्योति को विदा करा के अपने घर ले जाएंगे। इसी के साथ बबीता मिश्रा से जब ये पूछा गया कि आपने अपने इंटरव्यू में पवन सिंह को लेकर कई बातें कही थी, तो इस पर पवन ने आपसे कुछ नहीं कहा, तो बबीता मिश्रा ने बताया कि पवन उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही कहा जय माता दी और ना ही कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। वेल, तो अब ये देखना रहेगा कि कब पवन ज्योति को अपने घर वापस ले जाते हैं। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।